الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Dear sisters and Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah ta'ala, in today's lecture, what we are going to do is, we are going to continue with the Quranic year 13 of the biography of Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam's life. So we are here in the third quadrant. ये हमारा, हमने पूरा जो road map है आप sallallahu alayhi wa sallam की हयात-ए-तैयबा को उसको जो है इस पिक्चर के जरिए से जो है समझने की कोशिश की है जिसमें हमने इसे 23 इयर्स में जो है वो डिवाइड किया है. फर्स्ट क्वाड्रेंट जो अर्ली मेक्कन पीरियड का है ये हम अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश कर चुके हैं. सेकंड क्वाड्रेंट लेट मेक्कन पीरियड का है, ये शुरू होता है 0 ईयर से, दैट वाज एट द माउंट हिरा जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड हिज फर्स्ट रेवलेशन एंड इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 6 इयर्स 1 टू 6 एंड देन द सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो 12th ईयर पे जो है वो तमाम होता है. उसके बाद जो है ये आज जो थर्ड क्वाड्रेंट जहां अल्हम्दुलिल्लाह हम है जिसको हम कहते हैं अर्ली मदीना पीरियड. अब इस मदीना अर्ली मदीना पीरियड के कंटेंट्स क्या हैं, इस क्वाड्रेंट को भी हमने 6 सालों में डिवाइड किया हुआ है. 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. कोई मुझे वो निमोनिक्स बताएगा कि जिसके जरिए से हमने इस पूरे डिटेल को जो है वो याद किया है, क्या है वो निमोनिक जो हमने जो है पढ़ी है इस पूरे 6 साल के अरसे को कवर करने के लिए. So, हम ये कहते हैं हिजरा रिजल्टेड इन बैटल अपॉन बैटल टिल हुदैबिया. अगर ये एक फ्रेज आप याद कर लें तो ये सारे 7 बल्कि 8वां साल भी जो है, सॉरी 6 के 6 और प्लस 7th ईयर जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आता है वो भी आपको याद हो जाएगा. वो कैसे, तो हिजरा का एच जो है इट स्टैंड्स फॉर द ईयर 13th. सो द ईयर 13th जो है वो हिजरा है. उसके बाद ईयर 14 जो है वो है रेड्स, द ईयर ऑफ रेड्स. इंशाल्लाह लेट्स होप यू बिगिन विद रेड्स टुडे. उसके बाद बैटल, ये फर्स्ट बी जो है ये बदर 1 है. दिस इज 15, सॉरी ईयर 15 इज बदर 1. उसके बाद हम आते हैं ईयर 16 पे जो यू है, यू इज ओहद. उसके बाद दूसरा बी है व्हिच इज ईयर 17 एंड दैट स्टैंड्स फॉर बदर 2. और उसके बाद ये टी है, Year 18 is for Trench, Battle of Trench या ग़ज़वा खंदक जिसे हम कहते हैं. और ये जो हुदैबिया है ये तो है यहाँ पर इन द ईयर 19th ईयर को हमने ऑलरेडी हुदैबिया जो है उससे याद कर चुके हैं. सो द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया. तो देखें इस एक फ्रेज से जो है आपको ये सातों के सातों साल ये जो माइलस्टोन्स हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के याद हो जाएंगे आसानी से. हिजरा रिजल्टेड इन बैटल अपॉन बैटल फिल हुदैबिया. अब यहाँ एक और तफसील है इस क्वाड्रेंट की जो हमें याद रखनी है, वो ये कि हर मेजर बैटल जो इस क्वाड्रेंट में हुई है उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है
जो जूस थे, जो यहूदी कबीले थे मदीना में रहने वाले, उनके साथ भी जो है वो मामलात करने पड़े थे। उनकी जो भी डिसेंशन थी या उनकी जो भी बगावतें थी उसको जो है उसको भी हल करना पड़ा था, उसका भी एक सलूशन जो है वो लेना पड़ा था। तो पहला जो है वो बदर वन के बाद होता है, दूसरा ओहद के बाद होता है, और तीसरा ट्रेंच के बाद मामला होता है। सो बदर टू इसलिए नहीं कि बदर टू जो है उसमें कोई लड़ाई नहीं हुई, उसमें कोई बैटल नहीं लड़ी गई। इसकी तफसील हम देखेंगे कि कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के उस चैलेंज को कबूल किया था, जो वो अबू सुफियान ओहद के मैदान में जो है वो देख कर गया था कि अगले साल विल सी यू इन बदर। सो आप सल्लम जो है वो मुसलमानों के साथ बदर पहुंच चुके थे, लेकिन कुरैश के अंदर अब इतना दमखम बाकी नहीं रहा कि वो बदर तक पहुंचते। तो बदर टू में जो है कोई लड़ाई नहीं हुई। ट्रेंच में अलबत्ता जो है एक आप सल्लम ने मदीना में रहकर जिस तरह से भी यू नो गज़वा खंदक में दुश्मन का मुकाबला किया, तो ये एक खतरनाक जिसे हम कहेंगे कि मौका था मुसलमानों के लिए। तो हर इस तीन मेजर के बाद जो है इसे आप याद रखें QNQ से। अब ये QNQ क्या है? पहला क्यू जो है वो है कैनुका, N stands for Nadir and Q starts for Quraiza. So Qainuqa जो है, आप अब ये Q पहला Qainuqa आएगा या पहला Quraiza आएगा, तो उसको याद करने का तरीका ये है कि A always comes before U. So ये Qainuqa है, Qainuqa, Qainuqa. So Bani Qainuqa जो है उनका उनके साथ जो सबसे पहले मामला हुआ बदर के बाद, बनु नजीर के साथ जो है मामला हुआ ओहद की जंग के बाद, और गज़वा खंदक के बाद जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कुरैज़ा के साथ जो है वो मामला करना पड़ा। तो ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट की तफसील इंशाल्लाह जिसको आज हमें पढ़ना है। हम जो है ऑलरेडी 13th जो हमारा ईयर है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई, वो सबसे पहली चीज ये कि ये हमने जाना कि ये कोई एक स्पॉन्टेनियस या ऐसा डिसीजन नहीं था कि नऊज़ुबिल्लाह आप सल्लम डर के जो है भाग गए, आप सल्लम की जान पर बनाई। हिजरत जो है उसकी तैयारी इस साल से 2 साल पहले ही स्टार्ट हो गई थी। हमने देखा था कि अकबा उसकी जो ट्रीटीज हैं, जो 11वें साल कुरान केयर 11 में जब आप सल्लम उन 6 लोगों से मिले, फिर कुरान केयर 12 में तो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, जो फर्स्ट पैक्ट ऑफ अकबा जिसे हम कहते हैं अकबा प्लेज, वो जो है वो भी लिया गया, जिसमें बाकायदा से जो है गुफ्तगु हुई और ये करार पाया कि what are they signing up for, what the Medinan, what the Aus and Khazraj are calling for। तो उनका ये था कि उनके यहाँ बहुत सारी जंगें होती थी, जंगे बवास वगैरह, तो बिल्कुल परेशान आ चुके थे अपने सिविल वॉर्स और अपने यहाँ की कंडीशन से जो वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे। वो चाह रहे थे कि कोई सोल्यूशन हो, कोई तरीका हो कि हमारे यहाँ जस्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए और अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोई बेहतर तरीका हो हमारे पास, बिकॉज द सिस्टम दैट वाज प्रेवेलेंट इन अ ट्राइबल सेटअप वाज इनसफिशिएंट यू नो टू आंसर और टू केटर टू देयर नीड्स इन अ सेटल्ड सेटलमेंट लाइक मदीना। मदीना वाज एन ओएसिस। तो गर्ज ये कि ये लोग भी जो है किसी सोल्यूशन की तलाश में थे। तो कहने का मतलब ये है कि हिजरा में सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि नऊज़ुबिल्लाह आप सल्लम भागे नहीं थे, बिकॉज द ओरिएंटलिस्ट व्हेनेवर दे राइट अबाउट द हिजरा दे गिव इट द टाइटल ऑफ फ्लाइट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि एज इफ नबी अकरम सल्लम इज रनिंग अवे, यू नो। सो इट वाज नॉट रनिंग अवे, इट वाज अ वेरी वेल थॉट ऑफ डिसीजन, एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड वाज मेकिंग द प्रिपरेशन यू नो फॉर दिस हिजरा फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरी चीज जो हम इस हिजरत में देखते हैं वो ये कि इसमें एक बहुत बड़ा सबक हमारे लिए पोशीदा है कि वो रब जो एक रात में अपने अपने नबी को जो है
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाता है और फिर जो है सातों आसमानों की सैर मेराज पर जो है बुलवाते हैं और फिर वापस से जो है वो मक्का में वापस आ गए हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब आप हिजरत कर रहे हैं तो कितना पुरखतर सफर है। आप जो है वो सारी वो असबाब और वो सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो तय कर रहे हैं कि किस तरह से इनको जो है डॉच किया जाए और कितनी एक जान पे खेल कर एक पुरखतर सफर के जरिए से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि अगर हम दीन का कोई काम करने निकले हैं और अगर हम अल्लाह की राह में कुछ कर रहे हैं तो हमारे ऊपर तो एक जो है बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रिविलेजेस की जो है वो बारिश जो है वो हो जानी चाहिए और हमारे लिए जो है रेड कारपेट जो है वो बिछ जाना चाहिए। लेकिन हमें नबियों की जो का जो उसवा है उसमें हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला के दीन के काम के लिए जब इंसान निकलता है उसकी जद्दोजहद में तो उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ अल्लाह सुभान व तआला प्रिपेयर्स अस। इट वाज नॉट दैट अल्लाह कुडंट डू दैट, ऑफ कोर्स वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, बट अल्लाह सुभान व तआला, दिस इज हाउ अल्लाह सुभान व तआला मेक्स दिस वर्ल्ड रन, और इसी तरह से यहाँ के सारे मामलात जो हैं वो तय पाए जाते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं हिजरत में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब उस ड्रामेटिक एस्केप जो हुआ है, आई मीन हिजरत की एक एक एपिसोड जो है वी हैव रियली डन इट इन डिटेल कि कैसा वो एक ड्रामेटिक एस्केप था। एस्केप इन द सेंस जिस तरह से वो असैसिन आपके सल्लम के घर के बाहर खड़े हुए थे तो कैसे उन्हें चकमा देकर आप सल्लम निकले हैं, फिर जो रूट नबी अकरम सल्लम ने अख्तियार किया, फिर ये कि किस तरह से आप सल्लम ने एक नॉन मुस्लिम को हायर किया था यू नो एज अ गाइड, बिकॉज अरेबिया में सहरा में सफर करना जो है हमारे आज के सफर करने के बराबर नहीं होता। आज तो हर जगह जो है साइन बोर्ड लगी हुई है, आप थोड़ी दूर निकल जाए तो आपको डिस्टेंस जो है वो पता चल जाता है कि अभी इतने किलोमीटर्स पे पूना जो है या इतने किलोमीटर्स पे बैंगलोर है। तो अगर हम रोड से बाय रोड भी सफर करें तो हमारे सफर के लिए बहुत सहूलतें जो है हो गई हैं। लेकिन उस जमाने में तो अगर आप सहरा में चले जाएं और इफ यू आर नॉट टेकिंग द यूजुअल कैरवन रूट जिसमें सराए होते थे, जिसमें जानवर के चारा प्रोवाइड किया जाता था या मुसाफिरों के लिए जो है कुछ राहत के लिए सराए तामीर कर दिए जाते थे, और अगर आप एक अनयूजुअल रूट से जा रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता था कि कौन सा रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। तो विदाउट अ गाइड हमारे लिए उस जमाने में सहरा में सफर जो है वो नामुमकिन में से था। लेकिन इतने क्रूशल सफर में भी हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक नॉन मुस्लिम की एक नॉन मुस्लिम गाइड को हायर किया। तो इससे हमें आपके सल्लम के उसवे का ये सबक पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज delegated responsibilities to those not on the basis of their gender or you know what race or what community they belong to. He would always look at people's capabilities ke wo us kaam karne ke liye kaun kitna capable hai aur kaun jo hai achhi tarah se us kaam ko anjaam de sakta hai. तो हमने जो है ये कुछ चीजें देखी। फिर हमने देखा कि किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि आप सल्लम अबू अय्यूब अंसारी के घर में जो है वो क़याम फरमाएंगे जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश जो है वो तामीर नहीं हो जाती है। हमने ये भी देखा कि आप सल्लम ने पहला काम मदीना पहुंच के ये किया कि आप सल्लम ने जहाँ पर एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया साथ ही जो है एक मार्केट प्लेस भी जो है वो एस्टैब्लिश की। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल जिसे हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि चले अब आप लोग दीन और अल्लाह और ये जो है नमाज और रोजे और यू नो एक एसेटिक लिविंग और लाइफ स्टाइल जो है अख्तियार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है दुनियादारी और इकोनॉमी और बिजनेस और फाइनेंस से, बस अल्लाह अल्लाह करें उसी से पेट भर जाएगा। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक ब्यूटीफुल हमें जो है उसवा दिया, हमें दुनिया गुजारने का तरीका दिया कि जहाँ पे मस्जिद को तामीर करने का हुक्म दिया वहीं पर जो है एक मार्केट प्लेस एस्टैब्लिश की। तो ये जो रब्बना आतिना फि दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार की जो तफसील हमें जा बजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में मिल जाती है। अब हम आते हैं
ये वो सारी चीजें थी जो हमने अब तक डिस्कस की हैं जान। नाउ वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह बिगिन विद आवर सम कहेंगे हमारा आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह हिजरत ही में इसको आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए हैं तो ये इस बात का जिक्र तो मैंने आपसे किया था लेकिन एक मरतबा फिर इसे दोहरा दूं कि यहाँ पर जो है हालात मक्का से कुछ मुख्तलिफ थे। मक्का में जो है इंडिविजुअलिज्म जो है वो बहुत रैम्पेंट हो चुका था। इंडिविजुअलिज्म बिकॉज लोगों के पास पैसा आ गया और लोग जो है बहुत बिजनेस करने लगे, इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा लेने लगे, तो उनकी जो ट्राइबल मुरुवा और जो सारी वैल्यूज थी जो एक ट्राइबल सेटअप में होती है, जो कबायली निज़ाम में होती है, उसको जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने लगे। जो उनका ट्राइबल सिस्टम होता था उसमें इंडिविजुअल की का कोई इख्तियार नहीं होता था। अगर कोई कमजोर है, अगर कोई बहुत ज्यादा होशियार नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है या बहुत ज्यादा केपेबल नहीं है चीजों को करने का, तो जो जो ट्राइबल सिस्टम होता था वो कमजोर की जो है को जो ढांप लेता था या उसकी एयानत कर लेता था। लेकिन मक्का की जो मर्केंटाइल कम्युनिटी है, फिर जिस तरह से उनके अंदर पैसे की वजह से सूद और ये सारी जो है बीमारियां जो है वो जन्म लेने लगी और ये सारी जो है डिजीजेज और वायरसेस उनके सिस्टम को खाने लगे, तो उनकी सोसाइटी में भी जो है एक हलचल पैदा हो गई। लेकिन मदीना में जो है एक दूसरी तरह का डिस्कंटेंट था। मदीना में ये था कि जो कम्युनिटी लॉ थी उसने जो है लोगों की जिंदगी अजाब बनाई हुई थी। ये लोग थे तो ओएसिस में एक सेटल्ड जिंदगी गुजारने वाले, लेकिन जो इनकी कम्युनिटी के लॉज थे वो ट्राइबल लॉज पर मबनी थे कि अगर किसी के साथ कोई मामला हो गया तो उसके रेट्रीब्यूशन का, इंसाफ का सिर्फ एक ही तरीका था कि उसने मुझे मारा तो मैं उसको जाके मारू, विदाउट गोइंग इन टू द फैक्ट के यहाँ इंसाफ की बात क्या होगी। अब हर मामले का हल जो है वो टिट फॉर टैट नहीं हुआ करता, ऐसे जो है सोसाइटी पीसफुल नहीं होती। तो ये लोग जो है अपने आपस की कश्मकश और चकलश और अपने इस कम्यूनल जो उनका सिस्टम था जो ट्राइबल लॉज पे बेस्ड था उससे बिल्कुल बेजार आ चुके थे और ये लोग जो है एक एक नया सिस्टम चाह रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सल्लम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंडिविजुअलिज्म और इस कम्युनलिज्म जो है इन दोनों का एक खूबसूरत इम्तिजाज जो है वो कायम करके दिखाया। आप सल्लम ने बताया कि दिस उम्मा वुड बी अ कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। नाउ ये बहुत इम्पोर्टेंट शक है या एक इम्पोर्टेंट तालीम है जो हमें आपसे सल्लम के उसमें से मिल रही है। व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स? होता यह है कि जब बहुत ज्यादा किसी एक कम्युनल और एक कम्युनिटी को सेंटर बना के चीजों को फॉर्मुलेट किया जाता है तो वहाँ फर्द जो है उसकी आजादी बिल्कुल सल्ब हो जाती है। और इसकी एक बहुत जिसे हम कहेंगे रिसेंट जो मिसाल या एग्जाम्पल दुनिया ने देखी है वो देखी है मार्क्सिज्म के सिस्टम में, सोशलिस्ट सिस्टम में, कि जहाँ पर हर चीज जो है वो कंट्रोल रहेगी। तो अगर कोई बहुत ज्यादा केपेबल है और वो बहुत ज्यादा जो है ऊंचाइयाँ और चाहे वो दुनिया ही की तरक्की की बात हो कर सकता है तो उसको ऐसा कोई मौका जो है फराहम नहीं किया जाएगा। बल्कि बाज़ औक़ात कम्युनिटी का जो लेवल है या उसकी जो उसके जो टैलेंट्स हैं उसकी जो मेडियोक्रेसी है उसको अधियर करने के लिए बाज़ औक़ात अफराद को अपने टैलेंट्स को जो है वो सबड्यू करना पड़ेगा। और फिर लोगों ने इंसानियत ने देखा, ह्यूमैनिटी ने देखा कि कम्युनलिज्म कुड नॉट फॉल बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली सेंटर्ड टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द ग्रुप, और जहाँ इंडिविजुअल की जो है कोई हैसियत नहीं थी, फर्द की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंट्रीब्यूशन ये रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी कम्युनिटी वजूद में लाई जहाँ फर्द की हैसियत को जो है बहुत ही अहमियत दी गई। हमें बार बार ये बताया गया कि हमारा जो रिलेशनशिप है अल्लाह सुबहान तआला के साथ वो ऐसा नहीं है कि मेरे अब्बा अगर मुसलमान है उनका जो कमिटमेंट है अल्लाह और उसके दीन के साथ तो मेरा कमिटमेंट भी जो है उसी के हिसाब से जो जज किया जाएगा। जस्ट बिकॉज आई एम बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली द लेवल ऑफ माई कमिटमेंट टुवर्ड्स अल्लाह सुबहान तआला जो है वो मेरी ग्रुप अधियरेंस की बिना पर नहीं जज किया जाएगा,
कयामत के दिन फर्दन फर्दन हर एक का हिसाब दिया जाएगा, मुझे अपने आमाल का हिसाब खुद देना होगा। तो यहाँ पर फर्द को एक बहुत अहम, जिसे हम कहेंगे कि राइट्स दिए गए, उसको एक बहुत बड़ा स्टेटस दिया गया, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी कम्युनिटी का जो है की बेसिस और बुनियाद कायम की गई, जिसके पास जो है दूसरे जो कमजोर हैं, जो 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 मुश्किल में हैं, उनकी एयानत और उनकी जो है दिलजोई और दूसरों के साथ एहसान, इसको जो है स्टैब्लिश करने का और कायम करने का जो है पूरा पूरा इंतजाम किया गया। यही वजह है कि नमाज जो है वो जमात में पढ़ने का ज्यादा सवाब है। यही वजह है कि ज़कात का जो सिस्टम है वो दूसरों को इन्वॉल्व करता है। फिर हम देखते हैं कि जो हज जैसी जो इबादत है, ये भी जो एक कम्युनिटी में जो होती है, दूसरों के साथ होती है, और ये सारी चीजें जो है मिलकर एक एक मजबूत कम्युनिटी को जो है वो इस्टेब्लिश करती हैं। सो ये जो एक कंट्रीब्यूशन रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बहुत ही अमेजिंग था। तो आज 2023 में जब हम आपसे सल्लम की सीरत को पढ़ रहे हैं, और ये हो रहा है अराउंड 7th century में, आप सल्लम ने जब इसको अचीव किया है तो ये बहुत मुश्किल था, ये इतना आसान नहीं था। देखिए, हम जब लोगों के साथ डील करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी कुछ हैबिट्स, हमारी कुछ चीजें कितनी एंट्रेंच्ड होती हैं हमारे सिस्टम में, है ना। और लोगों को बदलना, थोड़ा सी भी बदलना जो है वो कितना मुश्किल होता है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार, और खुद आप सल्लम की सीरत मुबारका की वो बरकत थी जिसने लोगों के अंदर जो है इतना ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पैदा किया। अब हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप सल्लम को यही हुक्म दिया गया सूरह जुमा में, जो हम ये आयत बार बार पढ़ते हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद बयान किया गया है, जो कुरान करीम के दूसरे मकामात पर भी जो है वो आती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में फरमाते हैं कि हमने एक रसूल उम्मी को भेजा, और क्यों भेजा, ताकि वो तुम्हारे ही बीच में से एक रसूल है जिनका वयतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। तो गर्ज ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक कम्युनिटी जो है, एक ग्रुप को एस्टैब्लिश करेंगे, एक ऐसा गिरोह जो है उसकी तरबियत करेंगे जिसमें ये सारी चीजें जो है वो पनपेंगी और नशोनुमा पाएंगी। अब ये आपसे सल्लम ने कैसे किया, आपसे सल्लम ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। नाउ दिस इज अगेन सो अमेजिंग, आज की हमारी दुनिया में जहाँ पर बहुत सारे कवानीन और बहुत सारी जो है चीजें, यानी ह्यूमैनिटी इज इवॉल्व्ड, राइट, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, जहाँ बहुत ज्यादा जो है बहुत काफी सारे मामलों में जो है वो आगे आई है, लेकिन जब हम उस जमाने की बात देखें और जहाँ पे लोग ट्राइबल सिस्टम में रहते थे, तो ये भी आपसे सल्लम का एक अजीम कारनामा है कि आपसे सल्लम ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसको द फर्स्ट सिटी स्टेट ऑफ मदीना का जो है टाइटल दिया, जिसे हम दुनिया का जो है, जिसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी जो है वो दे सकते हैं, जो रिटन फॉर्म में जो है एस्टैब्लिश किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिटी स्टेट ऑफ मदीना। ये बहुत ही अनयूजुअल जो है वो बात है उस जमाने के मद्देनजर, उस जमाने के कॉन्टेक्स्ट में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ जो है अपने काम करने के तरीके को लोगों को बताया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जो है रिटन डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार किए हैं। और ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिटी स्टेट ऑफ मदीना है, इस पे बहुत सारी किताबें जो है वो लिखी जा चुकी हैं। इसमें कुछ अराउंड 43 जो है वो पॉइंट्स हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को तो यहाँ पे हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन आप में से जो लोग इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं कि इसको पढ़ें और इसकी तफसील हासिल करें, वो मोहम्मद, जिनके बारे में मैंने आपको इनसे पहले भी बताया है, सॉरी, मैंने एक बुक का रेफरेंस आप लोगों को दिया था, द बैटल फील्ड ऑफ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने ही द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिटी ऑफ मदीना भी जो है वो लिखी है. हिज नेम इज मोहम्मद, आई एम फॉरगेटिंग हिज फर्स्ट, मोहम्मद के साथ निजातुल्ला नहीं है, मोहम्मद इसको याद है, मैंने आप लोगों को इससे पहले ये रेफरेंस दिया था. I'm just forgetting his name. हमीदुल्ला अपा, हाँ, मोहम्मद हमीदुल्ला, या जजाकल्ला, हाँ बिल्कुल मेरे जहन में नहीं आ रहा था, जजाक. तो ये मोहम्मद हमीदुल्ला जो है, इनकी लिखी हुई है, एंड ही हैज रिटन सम एक्सीलेंट बुक्स ऑन द लाइफ ऑफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो 4 से 5, हाँ ये बहावलपुरी तो नहीं है, ही इज बेसिकली फ्रॉम डेक्कन हैदराबाद. ये गुजर चुके हैं, बहुत ही जो है जिसे हम कहेंगे कि इल्म असहाबे इल्म थे, मालूम में शामिल है. ही हैड एक्सपर्टीज ओवर अरबिक लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच एंड इवन उर्दू एंड पर्शियन. तो इतनी सारी लैंग्वेजेस ये जानते थे. इनकी बहुत सारी किताबें अंग्रेजी जबान में हैं, फ्रेंच में इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो बहुत तफसील से इस पे काम किया है, और जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने फ्रांस में ही गुजारा. और अर्ली 20th सेंचुरी जो है, पिछली जो सेंचुरी है, उसमें इनके बहुत सारे काम है. और द सिटी, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिटी स्टेट ऑफ मदीना पे उन्होंने किताब लिखी है. उनकी एक किताब है खुदबात बहावलपुर. बहावलपुर इज अ प्लेस इन पाकिस्तान नाउ, दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज इन इंडिया. तो वहां पर जो है गए थे और उन्होंने वहां पर खुद खुदबात दिए थे. दोस खुदबात आर सो अमेजिंग, इट एक्चुअली इनकैप्सुलेट्स द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. अगर किसी को इस्लाम समझना हो, अगर किसी को इस्लाम को समझाना हो, तो उसके जो बहुत अहम कॉम्पोनेंट्स हैं, जो जो थॉट है इस्लाम का, जो इस्लाम की फिक्र है, या जो इस्लाम क्या की, की, की जो तालीम है, उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक पढ़ी लिखी ऑडियंस को कैसे जो है वो कन्वे किया जाएगा, वो इस खुदबात बहावलपुर में आप लोग पढ़ सकते हैं. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो चुका है, लेकिन आप में से जो लोग उर्दू जानते हैं वो उर्दू ही में पढ़े हैं इसे, बिकॉज ट्रांसलेशन आफ्टर ऑल ट्रांसलेशन होता है. तो मोहम्मद हमीदुल्ला ही ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिटी स्टेट ऑफ, हाँ नहीं मिले, ओके ओके मैं मालूम करके बताती हूँ इंशाल्लाह ताला, आई आस्क. और अगर ये किताबें अवेलेबल रहेंगी आप में से जिसको चाहिए रहेगा, फिर मैं बताऊंगी, और मैं उस वेंडर का भी एड्रेस दे दूंगी, तो आप लोग भी मंगा सकते हैं इंशाल्लाह किताब, इंशाल्लाह. बट पढ़िएगा, ये किताबें जो है बहुत बहुत ही रेफरेंस और एहतियात के साथ जो है वो लिखी गई हैं. ओके, तो ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिटी स्टेट ऑफ मदीना है, इसमें कुछ 43 पॉइंट्स हैं. वो सारे के सारे पॉइंट्स को हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ के अहम जो पॉइंट्स हैं, 10-12 पॉइंट्स जिसको जिसको जो है डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम देखें यू नो कि क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें मिलते हैं. अब इसमें सबसे पहली चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई, वो था एक आइडेंटिटी दी लोगों को, मदीना के लोगों को, और कहा कि वी आर वन उम्मा. कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा दिया. अब हमें लगेगा इस कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा में सिर्फ बिलीवर्स होंगे, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें जो है अंसार हैं, इसमें मुहाजिर हैं, और इसमें मदीना के रहने वाले जूज भी जो हैं वो शामिल हैं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फर्स्ट सिटी फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिटी स्टेट ऑफ मदीना, जब उस रियासत की बुनियाद डाली, तो सबसे पहले एक उम्मत का कॉन्सेप्ट दिया, और उस उम्मत में, उस ग्रुपिंग में जो है सबको शामिल रखा, अंसार को, मुहाजरीन भी शामिल थे, और द जूस भी शामिल. अब ये बहुत बड़ी जो है, ये एक बहुत बड़ी बात है, यू नो, कि हम जो हमारी तरह नहीं है, जो हमारा फेथ शेयर नहीं कर रहे हैं, हम उनको भी जो है एक एक इतनी बड़ी जो है वो हैसियत दें. उसके बाद यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ह किया कि हर एक को, ऑल्दो वी आर कमिंग टुगेदर एज वन कम्युनिटी, बट हर एक को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी होगी.
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आते ही ये बात बिल्कुल क्लियर की, उसको वजाहत की कि हर एक को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी होगी। फिर ये कि हर कोई जो है अपना खर्च जो है वो खुद बैर करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट ये था कि डिफेंस जो है वो हम सब मिल के करेंगे। तो अगर अगर इन केस ऑफ हमला अगर हो, कोई बैरूनी हमला हो, किसी दुश्मन का हमला हो, तो वी आर वन एंड वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट टुगेदर। उसके बाद ये कि हमारा हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो आपसी ताल्लुकात हैं, वो एतमाद पर होंगे, और वो एहसान के तकवा और एहसान और नेकी पर मबनी होंगे कि हम जो हैं एक जब एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे तो हमारे हमारा हमारी हमारा हमारी लाइक कोशिश ये रहेगी कि हम एक भलाई जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो। यहाँ पर एक एक छोटी सी बात है जो साइड जिसे हम कहेंगे कि आती है, अखलाक की बात है ना। अखलाक, व्हाट इज अखलाक? आपने बोर्ड पे खलाका देखा, और आप हम तो जानते हैं कि खलाका क्या है, द बेसिक जो फर्स्ट स्टेप है हमारी क्रिएशन का है ना, खलका, अल्लाह क्रिएटेड, अल्लाह इज द खालिक। इसी खलक खलका को खुलुक बना दें आप, अखलाक, ये सब इसी से निकले। तू उठानी था फजर में, आप मोबाइल लेके मत बैठ। हां या somebody is ये म्यूट कर दें प्लीज अपना, ऐसे रख दे, हां बार-बार बोलने मत। या म्यूट, प्लीज म्यूट योर, सब लोग अपना जो है म्यूट कर दें प्लीज। तो ये खुलुक अखलाक ये क्या है? अखलाक का जो पिक्चर है वो एलिमेंट जो है वो उसी वक्त आ जाता है पिक्चर में जब हमें दूसरों के साथ जो है वो मामला तय करने हैं। राइट, अगर मुझे गार में बैठ के अल्लाह अल्लाह ही करना है तो अखलाक की कोई जरूरत ही नहीं है ना। I mean, I'm alone, all alone in a cave, and the only thing that I'm doing is Allahu Allahu, और मुझे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अखलाक जो है वो पिक्चर में आ जाते हैं जब हमें दूसरों के साथ जो है वो डील करना पड़ता है, जब दूसरों के साथ हमें जो है वो जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो नबी अकरम सल्लम के बारे में आपसे फरमाया वाइनकल आला खुलुक नजीम, कि आपका जो खुलक, आपका जो अखलाक है वो बहुत, आप आला मर्तबत अखलाक पर फायज हैं। आपका जो अखलाक है वो एग्जेम्पलरी है। आप सल्लम के बारे में खुद कुरान ये गवाही दे रहा है आपके अखलाक के बारे में, कि आप सल्लम जिस तरह से लोगों के साथ मामलात तय करते थे, आप सल्लम जिस तरह से लोगों के साथ डील करते थे, और हमें आप सल्लम के अखलाक से ये सीखने मिलता है कि इस्लाम में अखलाक का मतलब ये है कि मैं अपने ऊपर जो है दूसरों को फोकियत दूं। ये है एसेंस अखलाक का, व्हिच आई फील इज सुपर डिफिकल्ट। हमारी आज की दुनिया में तो हम यही सीखते हैं ना, आई मी माई सेल्फ, मेरी मर्जी, मुझे जो पसंद वो, मैं जो चाहती हूँ वो करूंगी, और मुझे किसी से ये सुनना भी गवारा नहीं है, यू नो, क्या सही है क्या गलत, मेरी ख्वाहिशें, मेरा नफ्स, मेरे डिजायर्स ये डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो यहाँ पर वो दीन जो हमें दूसरों के साथ मामला करने में ये सिखा रहा है कि अखलाक की जो बेसिस है वो ये कि मुझे अपने ऊपर दूसरों को फोकियत देनी है। सो लाइक ये सारी कश्मकश हमारी स्टार्ट होती है ह्यूमन रिलेशनशिप में, वो उसका एक बहुत बड़ा सबब यही है ना, हमें दूसरों पे गुस्सा भी शायद इसलिए आता है, इरिटेशन भी इसलिए होता है कि हमें लग रहा होता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो ज्यादा बेहतर है, मैं इससे बेहतर सोच सकती हूँ, या मैं इससे बेहतर सोच रही हूँ, ये जो कर रही है गलत कर रही है, मैं ज्यादा सही कर सकती हूँ। सो इट ऑल स्टार्ट्स यू नो विथ थिंकिंग, यू नो के हाँ राइट, पैदाइश कुदरती आदत, यस ओके, that's so beautiful,
अखलाक का ये जो पहलू है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सो वी ऑल शुड इंट्रोस्पेक्ट आवर लाइव्स, यू नो, कि जब हम दूसरों के साथ मामलात करते हैं, अपने अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, घर के दूसरे अफराद के साथ, तो हमारा हमारा क्या रद, हमारा हमारा क्या, हमारी जहनियत क्या होती है. कि एट द एंड ऑफ इट आई वॉन्ट के मैं जो चाहती हूँ वो होना चाहिए, जैसा मैं चाहती हूँ मामलात वैसे होने चाहिए. लाइक व्हाट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर. और जिंदगी में हर मामला जो है सही और गलत के बीच में नहीं होता, कि एक हराम और हलाल नहीं होता, हक ना हक की बात नहीं होती. बाज़ औकात चीजें जो है वो जिसे हम कहेंगे कि तबीयतों को का भी जो है या क्या हमें अच्छा लग रहा है, तबीयत यानी कुछ चीजें हमें हम पसंद करते हैं, कुछ चीजें नापसंद जो है हमें बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती. तो दूसरों की इन चीजों का ख्याल रखना और इनको जो है फोकियत देना, अपने अपने आप पर दूसरों को फोकियत देना जो है, दैट इज द एसेंस ऑफ अखलाक इन इस्लाम. सो एक बहुत ही खूबसूरत जो है एक मिसाल आई जस्ट केम अक्रॉस. इट वाज अ रियल सुपर्ब एग्जांपल. So of course it's coming from a Sufi lore, but what an example he that he was giving to his students was amazing. एक किताब लिखी है फवायदुल फवायदुल फुआद. ये जो है निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में बहुत बड़े जो हैं, कि आज भी लोग उनकी दरगाह पे जाते हैं. तो ये जो निजामुद्दीन औलिया हैं, इनकी ये इनके इनके जो वर्ड्स हैं और इनकी जो तालीमात हैं, वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स इज एक्चुअली कंपाइल्ड इन द बुक फॉर्म, और उस बुक का नाम है फवायदुल फुआद. अब देखिए सूफियों का एक एपिस्टीन है, द वे दे वर्क इन दैट एपिस्टीन, द वे दे यूटिलाइज इमेजरी, उनका अपना एक तरीका है चीजों को करने का. सो हियर वी आर नॉट सेइंग यू नो दैट we want to borrow or we want to learn deen from them. No, I mean deen we have to learn from the sources that are there, but there's always something nice, you know, to learn from others. So is context mein main batana chahti hu ke ek martaba wo apne disciples ko ye example dete hain aur usse poochte hain ke ek pot hai jisme jo hai ise aap soup bana rahi hain. तो आपने जो है पानी लिया, आपने उसमें सारे हर्ब्स डाल दिए, मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया, प्याज डाल दिया, दूसरी जो चीजें सूप में डाली जाती हैं वो डाल दिया, लेकिन आपने उसमें गोश्त नहीं डाला. तो क्या आपका ब्रॉथ, आपका सूप या जो भी आप वो जो डिश बनाने जा रही हैं, बिकॉज इट्स मेनली बिकॉज ऑफ मेड अप ऑफ गोश्त, तो क्या वो तैयार हो जाएगी? तो उनके स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, द मेन इंग्रेडिएंट वुड बी गोश्त. अगर गोश्त रहेगा तो ही ये सारी चीजें जो है वो एक डिश जो है उसको तैयार करेंगे, वो पॉट जो है वो तैयार होगा. सो ही गेव देम द एग्जांपल एंड ही सेड दैट एग्जैक्टली. तो ये जो आपका पानी, आपके हर्ब्स, आपके मसाले, आपकी सारी चीजें हैं, ये दरअसल आपकी जिंदगी के पॉट में जो है वो इबादतें हैं, नमाजें हैं, ज़कात हैं, हज है. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, द मेन गोश इज योर अकीदा, योर अटैचमेंट टू द वर्ल्ड, योर अटैचमेंट यू नो टू योर डिजायर्स. अब अगर वो आप नहीं छोड़ सकते तो आपने सब कुछ डाल लिया है अपने पॉट में, लेकिन आपको जो है वो रियल स्पिरिचुअलिटी जिसे हम कहते हैं वो हासिल नहीं हो सकेगी. So these were imagery thi, you know, this was so powerful and I found it a very beautiful way of explaining, you know, ke where do in the system, you know, of keeping or having an Allah centric life, a life which is centered on Allah and his messenger, you know, wo kaise hamara orientation change karti hai, wo kaise hamare aqaid ko, hamare dil ko jo hai wo pherti hai. अगर ये नहीं है और बाकी वो सारी चीजें हैं, यू नो, जो जाहिरी एतबार से होनी चाहिए, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है हमारे दीन का, उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बेसिक जो क्राइटेरिया है कि ये जो बार बार हमें कुरान करीम ये कहता है, यू नो, कि हिसाब देना होगा, अल्लाह के सामने जवाबदेही का कंसेप्ट,
और ये अल्लाह हर उस चीज का खबर रखने वाला है जो तुम कर रहे हो, यानी बार बार ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में रिपीट कर रहे हैं। तो ये क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये बात रासिख हो जाए कि इस दुनिया की हकीकत ये है इल्ला मताउल गुरूर, दिस इज नथिंग बट द डिसेप्शन, इट इज द चैटल, यू नो, ऑफ डिसेप्शन। तो अगर अगर ये ओरिएंटेशन सही है, ये अकीदा सही है, तो डेफिनेटली वो जो सूप मैं बनाऊंगी दैट विल ऑल्सो बी द राइट काइंड ऑफ सूप। सो ओके, तो यहाँ पर ये ज़ेली बात इसलिए की मैंने कि अखलाक ये जो दूसरा आपसे सल्लम ने ये जो तीसरा चौथा पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि राइटियसनेस की बुनियाद पे जो है हमारे मामला तय पाएंगे, हमारे आज की जो कवानीन है उसका उसका जो उसके उसकी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि द लॉ वुड लुक एट मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। ओके, सो इफ दे कांट परसीव, यू नो, कि इससे कोई ऑर्डर और कोई लॉ मुतासिर होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो वो चीज जायज करार दे देंगे। अगर अगर उन्हें ये लगे कि नहीं भाई, अगर दो कंसेंटिंग एडल्ट्स जो है वो जिना अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो वो उसे गुनाह नहीं करार देंगे। कि अगर 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 दो लोग जो हैं एक कमरे में गुनाह कर रहे हैं तो वो गुनाह नहीं करार दिया जाएगा, राइट? लेकिन हमारे दीन में जो है ये क्राइटेरिया नहीं होगा, यू नो, लोगों की कंसेंट जो है वो ये डिसाइड नहीं करेगी कि ये अमल गुनाह का है या इसे गुनाह नहीं करार दिया जाए। बहरहाल, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाया कि द म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है टू बी बेस्ड ऑन राइटियसनेस, और यही अखलाक है इस्लाम में, यू नो, कि हम अपने ऊपर दूसरों को फोकियत दें। तो हमें अपने मामलात में, अपने इंडिविजुअल लाइफ में जो है, अच्छा ये कैसे होगा, मैं अपने ऊपर दूसरों को कैसे फोकियत दूं? एट द बेस लेवल आपसे सल्लम की बहुत ही खूबसूरत कमांड है, आपसे सल्लम फरमाया कि दूसरों के साथ वैसा ही मामला करो जैसा तुम अपने साथ चाहोगे। दिस इज अ गोल्डन रूल, और ये जो है बहुत सारे सवालात के हमारी जिंदगी में हमको जवाब आते होता है। हम दूसरों के बारे में जो अंदाजे लगाते हैं, दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, हाँ, तो उसने ऐसा बोला तो इसलिए बोला, और उसने ऐसा किया तो ऐसे किया, तो अगर हम अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखें, या हम देखें कि अगर हमारे से ऐसा कुछ हो तो हम क्या चाहेंगे, सामने वाला हमारे साथ कैसे मामला करे, और बस द थिंग्स वुड बी सॉल्व्ड। दिस इज सो ब्यूटीफुल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्वाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतें और रहनुमाइयां जो है वो एक जो है रहनुमाई, एक जुमला ही जो है वो हमारे लिए किफायत कर जाता है, सुभान अल्लाह। फिर ये कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पॉइंट ये था कि हमारा मामलात एक दूसरे के साथ भलाई पर मुनासिर होंगे, खैर पर मुनासिर होंगे, हम एक दूसरे के साथ जो है कोई भी बुराई का मामला नहीं करेंगे, इस्म और उद्वान का मामला नहीं करेंगे, एनिमिटी का मामला नहीं करेंगे। फिर ये कि जब हम डिफेंस करेंगे तो यहूदी भी जो है मुसलमानों के शाना बुशाना इस डिफेंस में हिस्सा लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो बहुत सारी जो जंगें हुई, जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक, उसमें बहुत सारे यहूदी ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और वो भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर ये कि ये जो सिटी स्टेट है, जो मदीना है, इट वुड बी सेक्रेड फॉर ऑल द पार्टीज। और ये कि इनमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी मामलात का फैसला करने वाली और तय करने वाली होगी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक होगी। आप सल्लम विल बी द चीफ जस्टिस, आप सल्लम विल बी द चीफ हेड, यू नो, ऑफ डिसाइडिंग मैटर्स और गिविंग सॉल्यूशंस इन केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स। और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड बी द लास्ट अथॉरिटी towards whom all the matters will be done. फिर ये के तो ये in short जो है ये कुछ अहम points थे जो इस constitution में जो है वो बनाए गए हैं। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मस्जिद को बनाने का तो हुक्म दे ही दिया था मदीना आते ही। फिर अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ही से लग कर जो है
अपने क्वार्टर्स भी जो है उसे तामीर करने का हुक्म दिया। तो आप सल्लम ने दो पहले कमरे बनाए, क्यों दो कमरे बनाए? और ये जो है तकरीबन 630 स्क्वायर फीट या 17 to 70 यार्ड्स के थे एक कमरा। तो आप अंदाजा लगा लें कि दिस 630 स्क्वायर फीट या 17 to 70 यार्ड, यू नो, इज द वही मैं बोली, इतना बड़ा तो कमरा नहीं था आपसे। 17 to 70 यार्ड जो है वो कोर्ट यार्ड था जिसको मस्जिद में जो है वो तब्दील किया गया। और यहाँ पर जो है वो कबला जो डायरेक्शन सेट की गई वो जेरूसलम। अभी हम देखते हैं कि सूरतुल बकरा जो है वो जो है उसका नजूल मदीना में आकर हुआ है। सूरतुल बकरा बहुत सारे एतबार से बहुत अहम है। एक तो ये कि कुरान करीम की जो तदवीन आप सल्लम ने फरमाई, हालांकि ये इतने बाद में सूरा नाजिल हुई है, लेकिन आप सल्लम सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल बकरा को जो है मुसहफ में प्लेस दी। फिर ये कि 25% ऑफ द कुरानिक इंजंक्शंस जो है वो सूरतुल बकरा में ही है। सो आई मीन दिस इज अ मेजर थिंग, दैट मीन्स सूरतुल बकरा इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा के बिल्कुल आगाज में जो है कुछ कैटेगरीज की जो है वो निशानदेही करती है कि मुत्तकीन कौन है। फिर ये कि वो लोग कौन है, यू नो, जो इसके मनाफी रद्द अमल करते हैं। तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल रैब हुदल्लिल मुत्तकीन, स्टार्टिंग में ही क्लियर वजाहत कर दी कि किताब हिदायत जो रहेगी ये सारी के सारी उन्हीं के काम आएगी जो तकवे वाले होंगे। और फिर ये बताया कि वो गैब में जो है वो बिलीव करने वाले होंगे, नमाज कायम करने वाले होंगे और जो है जक़ात देने वाले होंगे। और ये कि वो उस पर ईमान लाते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। न सिर्फ ये बल्कि वो आप सल्लम से पहले भी जो अम्बिया पर नाजिल किया गया उन सब पर जो है वो ईमान लाने वाले हैं। और यही लोग जो हैं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही जो है अल्लाह के नज़दीक कामयाब लोग ठहराए जाएंगे। फिर उसके बाद कुफ्र वालों की जो है कुछ खसूसियात गिनवाई। और ये कि कुछ लोग जो हैं वो हम आपसे सिर्फ कुछ भी कर लें, यू नो, वो ईमान लाने वाले नहीं है। फिर साथ ही साथ आपसे सल्लम को सूरत में एक और जो कैटेगरी है मुनाफिकीन की, उनके बारे में भी जो है आगाही दी गई कि मुनाफिकीन जो है ये मुंह पर तो ईमान लाने का दावा कर रहे हैं लेकिन ये किसी मसलहत की वजह से या किसी दुनियावी जरूरत के तहत जो है उन्होंने ये रवैया अख्तियार किया हुआ है, लेकिन उनके दिल में जो है वो इस्लाम नहीं है। फिर उसके बाद सूरतुल बकरा में जो है जो अहले किताब और जो दूसरे लोग हैं उनकी भी बहुत सारे रवैयों को उसकी कलई जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खोली है। अब ये कि हम देखते हैं कि मदीना आने के बाद जो है हर चीज हैंकी डोरी जो है वो डेफिनेटली नहीं है। हालांकि खुद औस और खजरज ने आप सल्लम को बुलाया, मदीना के जो यहूदी हैं उन्होंने बहुत कॉर्डियल नजर आने का मुजाहरा किया आप सल्लम के साथ, जो है ये ट्रीटी भी साइन की और ये सिटी स्टेट ऑफ मदीना जो है उसको भी साइन अप किया, आप सल्लम को हाईएस्ट और फाइनल अथॉरिटी भी जो है वो तस्लीम किया। लेकिन जो है बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अभी भी जिसे हम कहेंगे कि देयर वाज सम ट्रबल अंडर द सरफेस जिसे हम कहते हैं, यू नो। और ये ऐसा क्यों था, उसकी बहुत सारी वजूहात थी। उसकी सबसे बड़ी एक वजह तो ये थी कि वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो लोगों के डिस्कॉर्ड में जो है उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो शामिल होते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, ज्यूज जो थे वो मनी लेंडर्स थे हमेशा से। यानी जैसे आज हमारे वहाँ बैंकर्स ज्यूज ही है ना, दुनिया के सारे बड़े बड़े, तो वो आपसे सलम के जमाने में भी सूद पे पैसे देने का कारोबार यहूदी करते थे। तो सोचिए ये लोग उस जमाने से करते हैं, वेपन्स ये लोग बनाया करते थे,
तो इनके अंदर जो है वो सनत भी थी. सनत किसे कहते हैं? सनाई ना, कि इंसान के वो कुछ स्किल्स है उसके अंदर, वो जो है एंटरप्राइजिंग है कि वो कुछ जो है वो क्रिएट कर सकता है. सो मनी लेंडिंग का बिजनेस इनके पास, वेपनरी बनाने का बिजनेस इनके पास. मदीना की जो बेहतरीन कल्टिवेबल जो बहुत ही दरखेज जमीन थी, वो सब के सब यहूदियों के कब्जे में थी. जो औस और खजरज के हिस्से में आई थी, हालांकि वो अरब्स थे और ये लोग बाहर से आए हुए थे, लेकिन इवेंचुअली इन लोगों ने सारी अच्छी जगहों पर जो है इनका कब्जा हो चुका था. तो एग्रीकल्चर में भी जो है वो बहुत ज्यादा आगे. आज भी हम देखें दुनिया में तीनों चीजों की में जो सबसे महारत रखते हैं वो यहूदी हैं. चाहे वो मनी लेंडिंग का सिस्टम हो, चाहे वो वेपन्स बनाने वाली इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल इनोवेशन हो या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, वो जितना यहूदी करते हैं उतना कोई जो है वो नहीं उसको करता है. अब ये जो जूस थे इनके लिए बहुत अच्छा था कि औस और खजरत जो है वो आपस में लड़ा करते थे. अब इन्होंने ये किया था कि ये मिटिगेट नहीं करना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि कहीं से इनकी लड़ाइयां खत्म हो, बल्कि इनके आपस में जो कैनुका, नजीर और कुरैजा थे, ये अलग अलग सिस्टम्स के जरिए कि कोई जो है औस की मदद करता है, कोई खजरत की मदद करता है, इस तरह से अलग अलग अलायंसेस में ये थे. और ये जंग होती थी तो पैसे भी देते थे, वेपन्स भी प्रोवाइड करते थे. तो मुंह पे तो इन लोगों ने जब इतना ह्यूज रिस्पांस देखा औस और खजरत का अफसलम के लिए, और तो इनिशियली देवर दे एक्सेप्टेड एंड दे एक्सेप्टेड ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन वो बहुत खुश नहीं थे इस अरेंजमेंट से. फिर हम देखते हैं कि खुद इस्लाम में जो है ये जो सूद का कारोबार है, इससे बहुत ज्यादा जो है इसे तो मना ही कर दिया गया. तो हर वो सिस्टम जो जो इंटरेस्ट या यूजरी पे बेस्ड है वो उसको डिसलाइक करेगा, है ना, वो उसको नापसंद भी करेगा. फिर ये कि इनको जो एक 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 अथॉरिटी हासिल हो गई थी, एक अपर हैंड हासिल हो गया था इन लड़ाइयों की वजह से बिटवीन औस और खज़रज, इसके मौके जो है वो कम होने लगे. तो ये लोग जो है बहुत ज्यादा अनईजी जो है वो हो रहे थे द जूस. अब ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ये भी फरमाया, स्पेशली इन सूरतुल आले इमरान की आयत नंबर 75 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जनरलाइजेशन तो नहीं होता लेकिन आप सुन फरमाते हैं कि यू नो कि जो जो पहले के जो अहले किताब हैं इनमें से कुछ तो हैं लोग जो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हैं, जो बहुत ही ज्यादा जो है समझदार भी हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत ऐसी है जो बिल्कुल भी जो है वो ईमानदारी की पासदारी नहीं करती, बेईमान है, गैर जिसे हम कहेंगे कि उनके पास कोई अमानतदारी नहीं है, वो एक एक पैसे के भी जो है वो अमीन नहीं करार दिए जा सकते. फिर उन्होंने अपने बहुत अलग अलग कानून जो है वो वजा कर रखे थे. उन्होंने कहा कि भाई हमें तो जो है अखलाक का मुजाहरा सिर्फ एक जू के साथ करना है, एक यहूदी के साथ करना है, गैर यहूदी के साथ तो हमें अखलाक का मुजाहरा करने की भी कोई जरूरत नहीं है. हमारे रब ने हमारे ऊपर ये सारे जो कवानीन है, सारे जो रूलिंग्स हैं अच्छाई के, अखलाक के, वो सिर्फ हमें यहूदियों तक महदूद रखना है, गैर यहूदी के साथ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हम देखते हैं जो हमें सीरत में दिखाई देते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने इस औस और खजरज के बीच में जो एक 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 जैसे हम कहेंगे कि एक यूनिटी हो गई थी, इसे जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की. तो इंशाल्लाह ताला ये सारे जो वाकयात हैं सीरत के इसको जो है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. और आई थिंक वी आर लेफ्ट विथ टू मोर सब टॉपिक्स इन हिजरा, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमें रेड्स कुरान के 14 जो है हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे. सो इंशाल्लाह ये जो वाकयात हैं उसे हम अगली लेक्चर में जो है इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे. विद दिस आई एंड अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आप सल्लम की सीरत को सीखने जानने का ये कोशिश जो है हमारे दिलों में आप सल्लम की मोहब्बत को बढ़ाने का जरिया बने, हमारे दिलों में ऐसी मोहब्बत आप सल्लम की रास्ता हो जाए
जो हमें आपसे सल्लम की इत्तेबा और आपसे सल्लम की इताअत बखुशी करने वाला बनाए, मोहब्बत के साथ जो है वो करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें और हमारी जुर्रियत को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल फरमा दे। वाखर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु शुक्रन। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कोई किसी का है कोई सजेशन, कमेंट, सवाल, ठीक है, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज कमिंग अप। अल्लाह ताला से दुआ करके कि इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है एक अच्छा खासा चंक जो है वो रमजान आने से पहले जो है वो कंप्लीट करें, और सीरत के अलग अलग पहलुओं से जो अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी में रहनुमाई जो है वो हासिल करने वाला बना दे। तो इन बुक्स की जो रेफरेंसेस मैं देती हूँ ना, अगर आप में से वो लोग, और आप में से अक्सर लोग खुद भी जो है वो अपनी कैपेसिटी में आपसे सल्लम की सीरत को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो यू मस्ट इन बुक्स को जो है आप नोट क्या किया करिए, आप में से जो इसे हासिल कर सकता है करिए, और अगर कहीं पर इनकी इनके हुसूल के लिए अगर कोई मदद की जरूरत हो तो इंशाल्लाह वी कैन हेल्प ईच अदर। जज़ाकल्लाहु शुक्रन। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। वाखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रन। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक।